नमस्कार, आई एम भवानी स्वामीनाथन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा डिजायर फॉर वेलनेस। अब तक आपने देखा होगा बहुत सारे मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं अपने चैनल में, जो रेसिपी वीडियो है, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले। बारिश आई छम छम, लेकर छाता निकल पड़े हम, पैर फिसला गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। ये बचपन में इस तरह की कविताएं हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे और बरसात का मौसम आ गया है, इतना सुंदर लगता है बारिश की ओर जब हम देखते हैं अपने बालकनी से, तो मौसम बदलता हुआ कितना प्यारा लगता है। बरसात का मौसम वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ साथ काफी बीमारियां भी लेके आती है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब आम बात होती है बरसात के मौसम में। तो चलिए समझते हैं इन छोटी छोटी बीमारियों से हम किस तरह से बचे, इस बरसात के मौसम में, मॉनसून सीजन में हम किस तरह से अपना ध्यान रख सके। तो पहला रूल जो है वो ये है कि आप बाहर का खाना ना खाएं, घर में जो हम पकाते हैं घर में वही खाना, फ्रेशली कुक्ड फूड खाएं। दूसरी बात ये है कि बहुत ज्यादा एसी में ना बैठे, स्पेशली जब आप बाहर से आते हैं, जब आपका पैर गीला होता है या आप थोड़े से भीगे होते हैं, तो तुरंत आप ठंडी जगह पे एसी वाले रूम में न जाएं, क्योंकि उससे सर्दी खांसी जुकाम ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरी बात यह है कि पत्ते वाली सब्जियां जो है उसे अवॉइड करें, क्योंकि मॉनसून में ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहिए। उसका रीजन ये है कि कंटामिनेशन बहुत होते हैं ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में, तो जितना हम कम लेंगे या फिर अगर नहीं लेते हैं तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ठीक से काम करेगी। चौथी बात, अपने आप को वार्म रखना है, तो वार्म रखने के लिए हमें थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस करने होंगे। सो एक्सरसाइजेस के लिए अगर आप कहते हैं कि बारिश आ रही है, घर के बाहर कैसे वॉकिंग के लिए जाए, तो घर के अंदर आप स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, स्पॉट वॉकिंग कर सकते हैं, और कोई म्यूजिक चला रहे, म्यूजिक तो एक ब्यूटीफुल थेरेपी है। सो म्यूजिक सुनते सुनते आप चल सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, और बहुत सारे तरह के आप जो व्यायाम है जिसे योगासनास कहते हैं, जो भी आपको आसानी से आप कर सकते हैं वो सारे योगासन करें, और प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम में भी कपालभाति जरूर करें, क्योंकि कपालभाति से जो बॉडी में वार्मथ बनी रहती है और हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। इनके अलावा दूध और घी, ये दोनों चीज़ों को ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करें। ब्रेकफास्ट टाइम पे आप वार्म मिल्क में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के आप ले सकते हैं, इससे आपको सर्दी खांसी होने का डर भी कम रहेगा और डाइजेशन भी बहुत अच्छी होगी। और घी, जैसा हम सब जानते हैं, मेटाबॉलिज्म के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस मानसून सीजन में चलिए इंजॉय करते हैं, ना कि बीमार पड़े। तो अपना ध्यान जरूर रखिएगा। लेट्स मेक आवर लाइव्स हेल्दियर एंड हैप्पीयर।